के पक्ष में आ गए। लोकसभा में लंबी बहस के बाद महिला आरक्षण बिल बुधवार शाम को पास हो गया। 454 वोटों के साथ ये बिल लोकसभा में 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ पास हो गया है। बता दें कि इसके विरोध में सिर्फ 2 ही वोट पड़े हैं। संविधान संशोधन के लिए सदन की संख्या के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जबकि सामान्य बिल को पास कराने के लिए सदन में 50% से ज्यादा सदस्य मौजूद होने चाहिए। दरअसल महिला आरक्षण विधेयक संविधान संशोधन विधेयक था, लिहाजा कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दलों ने भी सरकार का साथ दिया। हालांकि कुछ लोगों ने विरोध जताया, लेकिन सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए। अंत में 2 सांसद ने ही इसके खिलाफ वोट किया, बाकी लोगों ने अपने विरोध के बावजूद बिल का समर्थन किया।